नमस्कार, MP24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के छिंदवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह का जनसंपर्क वार्ड क्रमांक 45 नोनिया करबल छिंदवाड़ा में हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के खिलाफ क्या कहा और कृषि महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज एवं माचागोरा डैम के बारे में क्या बताया। आइए देखते हैं खास बातचीत हमारे जिला ब्यूरो चीफ देवेंद्र वर्मा के साथ। कांग्रेस ने बनाया और भारतीय जनता पार्टी कहना की बात बना है, दोनों में विवाद चल रहा है, आखिर किसने बनाया जानते हैं आप। देखिए, दीपक सक्सेना बड़ा लिखा आदमी है, नहीं ज्यादा पटेल आदमी है, अब इसलिए उसको समझ नहीं है पूरी भाई। 1985 में कमलनाथ ने इसको भूमि पूजन किया, 85 से लेकर 2008 तक नहीं बना, 2008 में 2003 से भाजपा की सरकार है। इतनी अकल तो कम से कम दीपक सक्सेना को होना चाहिए कि जिसकी सरकार रहेगी वो बनाएगा नहीं बनाएगा। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने बनाया, ऐसा उनका मानना है। देखिए, मैं आप देखिए 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1956 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 2003 से 2018 तक आज मध्य प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज है। छिंदवाड़ा में अकेला नहीं निकला, भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह जी ने, कमलनाथ ने तो 80-85 में कहा था मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो उनको तो घोषणा वीर है कुछ करना ना धरना, मगर मेडिकल कॉलेज अगर खुला है तो भारतीय जनता पार्टी की राज्य के विषय कि जितने विषय हैं, चाहे डैम बनाना हो, स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, रोड बनाना हो, सारे राज्य के विषय, और ये सब राज्य सरकार का काम है पूरा का पूरा। पहले भारतीय जनता पार्टी में पूर्व विधायक रहे 2003 में के, उन्होंने कहा कि आदिवासी संघ में अत्याचार होता है, एट्रोसिटी एक्ट में जो है लोग विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंध में क्या कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि आदिवासियों को कांग्रेस ने कहा 47 में देश सदन हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 1997 में देश के प्रधानमंत्री बने, तब भारत सरकार ने जाति जनजाति का अलग मंत्रालय खोला, अलग उसका मंत्री बना। आज सुदूर गांव में अगर आप जाओ, जो गांव का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, ये प्रधानमंत्री सड़क से हुआ, वो अटल जी ने किया। गांव-गांव में स्कूल खुले, ये अटल जी ने किया, साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान उन्होंने चलाकर। तो आदिवासियों का जितना उत्थान और कल्याण भारतीय जनता पार्टी ने की, उत्तरा कांग्रेस ने। क्या कारण है कि जो नारदों में सिटिंग MLA रहे रतन साह जी, उनको हटाया गया और नए बाहरी प्रत्याशियों को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। नहीं, बाहरी प्रत्याशी नहीं है, जनकलाल जी ठाकुर वहाँ से MLA रहे, पहले 2003 से 2008 तक उनका मकान है, खेती बाड़ी वहाँ पर है और बहुत अच्छा काम उन्होंने उस समय किया था। तो पार्टी की कार्यकर्ताओं की राय से, जनता की राय से और सब संगठन की राय से जो व्यक्ति उचित है उसको पार्टी टिकट देती, और इसलिए कोई एक बार MLA बन गया जरूर नहीं कि दोबारा उसको देंगे। आप जनता में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, कार्यकर्ता में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, इन सारी बातों को देखते हुए दी बेस्ट पार्टी टिकट दिया। कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श आचरण संहिता के लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, आदर्श आचरण संहिता का सब पालन करें, जो चुनाव आयोग के आदेश है, निर्देश है, क्योंकि लोकशाही में ये सब नियम कानून कायदे हमारे अपने बनाए हुए थे और इनका आपको सबको पालन करना चाहिए। ये जो भी आदर्श आचार संहिता है इसका हम मन से पूरा पालन करते हैं।